देखिए दोस्तों, ये देखिए हमने लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया है गोबर के खाद, और इसमें थोड़े से जो है ना मिक्स करके पूरे 10-15 आइटम घर के जो रहते हैं ना सब्जियों के, तो उससे हमने ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया और सभी पेड़ों में डाल दीजिए जड़ों के पास, डाइल्यूट करके। डाइल्यूट किया है हमने वाटर में, तभी भी कलर देखिए इसका ब्लैक ब्लैक ही दिख रहा होगा आपको, तो मतलब अच्छा ये आ रहा है, तेज ये हो रहा है और इससे फसल अच्छे से ग्रोथ होंगी, फसल अच्छे से, फसल में कोई रोग नहीं आएगा, या पकड़ लो फसल और स्ट्रांग हो जाती है उससे, और फसल बढ़ जाती है उससे। तो ज़रूर डालिए, सभी इसमें डालिए, सभी पेड़ों को अच्छा रहता है वो। मैंने घर के जुगाड़ से ये सब करता हूँ और अच्छे से गार्डन कर रहा हूँ, और हमारे यहाँ अच्छे अच्छे सीड भी निकल रहे हैं अभी। सीडलिंग भी हम क्या करेंगे, इसके ऑर्गेनिक वाले सीड है, सेलिंग का काम चालू कर देंगे। और गार्डन से रिलेटेड वीडियो के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और ज़रूर आप भी ऐसी घर में बना सकते हैं लिक्विड फर्टिलाइज़र। और गार्डन से रिलेटेड जो भी आपको क्वेरी है हमें पूछ सकते हैं कमेंट में, तो आपको कमेंट में ज़रूर हम बताएंगे और सपोर्ट करेंगे, हर टाइम सपोर्ट करने के लिए रेडी रहेंगे, क्योंकि एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तभी आगे बढ़ते हैं, तो इसलिए आगे बढ़ते जाएंगे। और एक दूसरे को जो भी है सपोर्ट लगता है, तो आपको जो भी सपोर्ट चाहिए मेरे से तो मिल जाएगा, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। कमेंट जो भी कमेंट रहेगी उसका जवाब आपको तुरंत तुरंत मिल जाएगा, आधे एक घंटे में या दो घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो कमेंट का ज़रूर आपको ये मिलेंगे। और फसल में कौन सा रोग है आपके यहाँ, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, सभी चीज़ बता सकते हैं, क्योंकि मैं ये गार्डनिंग की इसमें आज के डेट में 4 साल से पूरा ये कर रहा हूँ। पहले तो मैं छोटे से स्टार्ट किया था, आज के डेट में बड़ा कर रहा हूँ, धीरे धीरे मैंने अच्छा खासा डेवलप कर लिया है अभी, और नए हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। नए एक्सपेरिमेंट से क्या होता है कि अपनी फसल उतनी स्वस्थ रहती है, जितना आप एक्सपेरिमेंट करते जाओगे ना फसल में उतनी स्वस्थ रहती है। और देखिए स्वस्थ फसल पाने के लिए वही तरीका है, एक्सपेरिमेंट करते जाइए। गार्डन में क्या रहता है, आपने दिन का खाली हाफ आवर भी दिया ना, रात में भी हाफ आवर दिया, ऐसी ज़रूरी नहीं है। छुट्टी के दिन तो आप जो भी लगाना है वो लगा सकते हैं, खरपतवार निकाल सकते हैं, लेकिन हाँ डेली आप सवेरे मॉर्निंग में हाफ आवर भी आपने ये गार्डन को दिया ना, तो गार्डन सबसे अच्छा ग्रोथ हो जाएगा आपका, ग्रोथ अच्छी बढ़ जाएगी गार्डन की। मतलब मॉर्निंग के या रात के समय कभी भी हाफ आवर आप दे दीजिए गार्डन को अपना समय, और ताज़ी हवा भी मिलती है, स्वस्थ एयर भी मिलती है, और स्वस्थ सब्जियां भी मिलती है अपने यहाँ, तो आप उसमें ये कर सकते हैं। और अच्छे से आप गार्डन में घर की, क्योंकि ऑर्गेनिक सब्जियों का दाम नहीं रहता है, कोई भी ऑर्गेनिक सब्जी आज के डेट में मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसलिए तो ध्यान रखना, कभी भी ऑर्गेनिक में ज़्यादा ज़्यादा खाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऑर्गेनिक सब्जियाँ सबसे सेहत के लिए सबसे बढ़िया है, क्योंकि आज के डेट में कैंसर ये ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ब्लड कैंसर ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो ध्यान रखिए, क्योंकि ब्लड कैंसर सब्जियों के कारण ही होते, पेस्टिसाइड के कारण ही होते, क्योंकि सब्जियों से ही डायरेक्ट उसमें चला जाता है और वो अपने ब्लड में जाता है, खून में जाता है, तो उससे रोग फैलते हैं। क्योंकि मैं केमिकल का ये हूँ तो मैं बता सकता हूँ आपको कैसी क्या कौन सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो कोई तो शौक पानी वाले तो बहुत कम है, बहुत कम लोग हैं जो नहीं करते, कुछ भी नहीं खाते हैं, लेकिन उनको भी कैंसर है आज के डेट में, तो सब्जियों के कारण। सब्जी स्वस्थ नहीं खाते हैं तो उससे क्या होता है, डायरेक्ट पेस्टिसाइड अपने मुंह में जाता है सब्जियों में घुल के, वही पेस्टिसाइड अपन खाने में खाते हैं और वही हमारे अपने ब्लड में बनता है, तो उससे क्या होता है कि ब्लड कैंसर ये बाकी बीमारियाँ आना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए घर में स्वस्थ सब्जियाँ लगाइए और अच्छे से सेहत को स्वस्थ रखिए, और उससे क्या हो जाएगा, आप गार्डन में आपने थोड़ा भी कुछ उसमें रिन्यूलेशन किया ना, ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। आज के डेट में ये ड्रिप आपको भी लगाना है ना, मुझे बता सकते हैं, 800 रुपये में पूरा सेट करवा दूंगा मैं, ऐसी पूरा ड्रिपर का एक सेट बनवा दूंगा, 800 रुपये में पूरा सेट। आप मेरे को बताइए कितना बाय कितने का है, मैं आपको जो है 800 रुपये में पूरा
ये पूरा सेट आएगा लगभग लगभग 40 फीट लंबा आ जाता है, तो 40 फीट 800 रुपये में सेट आ जाता है। तो आप इधर उधर काय के लिए ये कर रहे हैं, तो आप अच्छे से गार्डन को आप बैठे बैठे घर से ही ऑपरेटिंग कर सकते हैं। वॉल चालू कर दिया, ड्रिप चालू हो जाती है, जैसे अभी मैं चालू कर रहा हूँ, इसका भी वीडियो मैंने डाला हुआ है। ये देखिए, यहाँ से अभी वॉल चालू किया तो यहाँ से वाटर आना स्टार्ट हो गया, देखिए है ना, बूंद 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 पानी, बूंद बूंद से सागर भरता है बोलते हैं ना, क्योंकि बूंद बूंद जब बारिश का पानी बूंद बूंद बरसता है तब जाके अपना सागर और पेड़ों की सिंचाई होती है। तो वैसे ही बूंद बूंद की सिंचाई सबसे बेस्ट है, बेस्ट तरीका है, मिट्टी की नमी बनी रहती है और अच्छे से पेड़ स्वस्थ रहते हैं, पेड़ सड़ते नहीं है, जड़ सड़ती नहीं है, बहुत अच्छा होता है। आप भी आप क्या कर सकते हैं, धीरे 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 नया कुछ डेवलपमेंट कर सकते हैं। चलो फिर से नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं दोस्तों।